चलो चलो चलो, निकलो 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 यहाँ से, चलो। हम ये बात सोचे नहीं, भूते मजेदार है। आज तक हमेशा घर की बेटी ही घर से विदा होती है, आज पहली बार घर की बहू घर से विदा हो रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चमन बाहर इज डिफरेंट। काहे हमको ऐसे टुकुर टुकुर देख रही हो, सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, कर लेना, चलो उठाओ उठाओ, निकलो निकलो, फटाफट निकलो यहाँ से, हमको अपना बाबू से मिलना है, निकलो। अब ई गति से चलोगी तो 4 दिन बाद दरवाजा तक पहुंचोगी, चलो निकलो फटाफट। अब ई काम भी हमें ही ना करना पड़ेगा, चलो। आप लोग सिर्फ 2 मिनट ही बात कीजिए, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। कैसी है माँ? जिसका बच्चा मौत के मुंह से बच के बाहर आया हो, तो कैसी होगी बेटा? सॉरी, जो कुछ भी आपको सहना पड़ा उसके लिए है। हाँ, सयूरी, सयूरी कहाँ है? ठीक है ना वो? हाँ, वो ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं बस, अजीब सी घबराहट सी हो रही थी, कुछ थक गई है बेचारी, आराम करिए, कल सुबह आ जाएगी, बाकी ठीक है वो। आपसे मिले तो आप कह देना हमसे आके मिल ले। फोन ऑन हो गया, अब उसे कॉल करते थे। सुनिए सर, एक कुछ दवाई आए, अभी का भी चाहिए। ठीक है, हम लेके आते। थैंक गॉड, टिंगू और चमन बाहर अभी यहाँ नहीं है। ये तो नकुल का फोन है। फिर से उसी लड़के का कॉल, आज तो छोड़ेंगे नहीं हम इसे। नहीं नहीं, अगर नकुल को पता चल गया कि हमने फोन उठाया था तो वो तो जान ही ले लेगा हमारी। बार बार हमें फोन करना बंद करो, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने क्या किया? खैर, तुम भले नाराज क्यों ना हो, तुम्हें फिर भी मुझसे बात करनी पड़ेगी। तुम्हें पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले। वो रविंदर पता नहीं किस फायदे की बात कर रहा था। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तुम्हें कुछ हो गया ना, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब क्या टाइप कर रही है ये? नकुल के पीछे ही पड़ गई है, क्या करे, कैसे उसे नकुल की जिंदगी से निकाले? हमारा फोन कहाँ रह गया?
लगता है नकुल अपना फोन ढूंढ रहा है। अगर इस लड़के का रिप्लाई आ गया तो नकुल समझ जाएगा कि हमने कुछ गड़बड़ की है। ये रहा हमारा फोन। अरे ये तो गया काम से। अब हम उसे कॉल कैसे करेंगे? हमें तो नंबर भी याद नहीं है। पर हमारा फोन यहाँ आया कैसे? और छोड़ो, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम कुछ देर के लिए नकुल उस लड़की से बात ही नहीं कर पाएगा। देखो एक बार कान्हा को ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। प्लीज, अगर ये बात एक बार और भी अपना मुंह से निकाली ना तो हम बाबू का छुट्टी करवा देंगे अस्पताल से। नहीं नहीं चमन, प्लीज ऐसा मत करना। देखो मैं अभी के अभी चली जाऊंगी, लेकिन इस तुम मेरी एक बात मान लो, इस बारे में कान्हा या घर में किसी को मत बताना कि कान्हा के मन को कोई बात लग जाती है ना तो मन ही मन गुलता रहता है और वो पूरी तरीके से ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज किसी को मत बताना। उसका टेंशन लेने का कोनो जरूरत ना है, हमको बाबू की चिंता है तुमसे कहीं ज्यादा। तुम बस अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, रास्ता नापो अपना, चलो निकलो। करेगा कृष्णा जी, उसकी जान अब आपके हाथों में। चाची जी धन्यवाद। चाची जी कैसी बातें कर रही हो सरोज, ऐसे वक्त में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? चाची जी बच्चे कैसे हैं? नहीं मतलब परेशान होंगे या फिर परेशान कर रहे होंगे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी बहुत छोटे हैं ना, समझ नहीं पाते तो सवाल भी नहीं करते। सुशीला को बिठा के आई हूँ उनके पास, उनको नहला धुला के खाना खिला देगी। सुशीला सयूरी घर पे नहीं है? हमें तो लगा था कि नाश्ता वो लेके आएगी, कल रात को भी वो आई नहीं, उसने खाना भिजवा दिया। वो कहाँ है? सयूरी यहाँ नहीं है। अरे वो तो कल रात घर जाने का कह के गई है, आपसे नहीं मिली? नहीं, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। टिंगू भी कह रहा था कि वो आराम कर रही है। आराम? कान्हा की ऐसी हालत में वो आराम करे, ये बात हमें कुछ जज नहीं रही। कल शाम से आप लोगों से उससे बात भी नहीं हुई। वो अब कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? मतलब वो बाबू का ध्यान रखने के लिए दीदी बहुत परेशान हो गई ना, कभी इधर कभी उधर, बेचारी का पूरा बदन एकदम दर्द कर रहा है, बुखार से एकदम तप रही है बेचारे। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? माँ हम घर जाके भाभी को देख के आते। अरे नकुल बाबू आप काहे परेशान हो रहे हैं, हम गोली दे रहे हैं उनको, वो गोली खा के आराम कर रहे हैं, आराम करने दीजिए उनको, एक बार आराम कर ले फिर उसके बाद तो जगना ही है। और रहा बाबू का ध्यान रखने का बात, उसके लिए तो हम हैं, हम ध्यान रख लेंगे, आज से तो वैसे भी हम ही को ध्यान रखना है ना। मतलब जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती वो हमको जिम्मेदारी दी है, तो हम ही रखेंगे ना ध्यान। हम जाके बाबू से एक बार मिल लेते हैं, कैसा है उनका तबीयत, ये अस्पताल वाला सब ऐसे ही सब पैसा ले रहा है कि काम धाम भी ठीक से कर रहा है ना? देखो भाई आराम कर रहे, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो हम कौन सा उनका आराम में खलल डाल रहे हैं, हम तो बस जाके उनका दीदार, हमारा मतलब है कि दूर से देख के आते हैं उनको, है ना? पर इसकी जरूरत क्या है? हमरा मन कर रहा है बस इसीलिए। नकुल
जाने दो उसे, तुम जाओ कान्हा को देखो। आंटी जी आप बहुत ही स्मार्ट हैं, एक आप ही तो हैं जो हमको समझती हैं। चलते हैं। डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं? देख लीजिए, पर मुझे लगता नहीं है, शायद सो रहे हैं। उनका तबियत कैसा है अब? पहले से बेहतर है, थोड़ी सी कमजोरी है पर उसे घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हो सकता है कल उन्हें डिस्चार्ज भी कर दे। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बाबू आप सो रहे हैं? सोइए सोइए, हम तो बस आपको देखने आए थे। अगर आप भी हमको देख लेते तो आपको पता चल जाता कि हमरे यहाँ आने से पूरा कमरे में बाहर ही बाहर हो गया है। अब पर कोनो बात ना है, अब तो बाहर आप ही की है ना, अब ये कमरा में ना सही, घर का कमरा में जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि चारों तरफ बाहर ही बाहर है। अब आपका पूरा जिंदगी बाहर में ओतप्रोत हो जाएगा। अब बाबू आप ही सुन के खुश तो है ना? आपसे एक ठो और बात करना था लेकिन एकदम चुपचाप आपका कान में करेंगे। आज से हम आपके और आप हमारे, हमरे बीच और दूजा कौन नहीं आएगा। सही। जितना सयूरी सयूरी कर लो पर वो अब आपकी जिंदगी में वापस आने की स्थिति में नहीं है। उसको हम आपका घर से, आपका जिंदगी से तो बाहर निकाल ही दिए। अब बहुत ही जल्दी आपका दिल से भी बाहर निकाल देंगे। उसका नामो निशान मिटा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। नामो निशान तो जरूर मिटेगा, बस सयोरी का नहीं, इस काना का। तू कहाँ थी रश्मि रात भर? घर नहीं आई, सुबह अस्पताल में भी नहीं दिखाई दी। अब वो दादी हम वहीं थे, जीजू की रिपोर्ट्स देख रहे थे। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। सयू, सयू क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी है? अस्पताल में सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे आराम कर रही है, फिर यहाँ कैसे? अस्पताल गई थी दादी। हाँ, कान्हा को देखा आपने? सयू ठीक है ना? ठीक है बेटा, लेकिन मिल नहीं पाई, वो सो रहा था। लेकिन ये सब तो मुझसे क्यों पूछ रही है? पर तू खुद अस्पताल जाके क्यों नहीं देख लेती? क्या हुआ सयू बेटा? सयू अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ तो बोल बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। सयू बच्चा क्या हुआ है बोल बेटा।
दादी शायद हम जानते हैं कि क्या हुआ है। डॉक्टर तो तुमको कल छुट्टी देने का बोल रहा है, पर हम तो सोच लिए हैं कि तुमको आज ही छुट्टी दे दे, वो भी अस्पताल से नहीं, दुनिया से ही। ये सिस्टर दीदी भी ना बार बार हमारे काम में अड़ंगा डाल रही, इनको कुछ तो करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर गुप्ता बुला रहे हैं। पर मैं पेशेंट को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हें इसके पास बैठना होगा और ध्यान रखना होगा। रखेंगे ना ध्यान एकदम अच्छे से। नहीं ना हम जो ऐसा मौत मार के हम खुद अपना लिए जाल बिछा ले। हम बाहर को कहते हैं कि मौत एक्सीडेंट लगना चाहिए, तो हमरा लिए भी वही रूल होता है ना, दोहरा मौत भी एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए ना। जमन बाहर को पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो नहीं नहीं फिलहाल मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे मुझे काना की परवाह है, खाना को कुछ ना हो क्योंकि जो अंदर की घबराहट है दिल में बेचैनी है। बस कृष्णा जी वो गलत हो, खाना बिल्कुल ठीक हो, बस एक बार खाना को अपने को से देख लूं दूर से, तसल्ली हो जाएगी मुझे। बस किसी को फोन भी तो नहीं कर सकती थी ना, फोन करती तो उन लोगों के सामने आना होता, इसलिए नहीं। बस कृष्णा जी खाना ठीक हो। इससे पहले कि कोई आ जाए हम निकलते हैं।